राइट। तो ये एक ये बात करने का मकसद ये था कि बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने के बाद आपने ये नहीं करना कि आप दूसरे लोगों को जज करें, आप आज घर जाएं और अगर किसी ने आपने चीन पर हाथ रखा हुआ तो आप कहें कि अच्छा आप मुझे एवेल्यूएट कर रहे हैं ना, या अगर कोई बात करते हुए बार बार आपकी नोज को टच करें तो आप कहें कि तू है ही चूठा, तो झूठ बोल रहा है, तो अपने आप को टच कर रहे हैं, तो आपको ठंडी लग सकती है अगर आप किसी शख्स को ऐसा कहेंगे जो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो आपने किसी एक जेस्चर को एवेल्यूएट करते हुए किसी के बारे में राय कायम करनी है, राइट। अच्छा इसको बंद करें और हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा आगे चलो, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और एलिमेंट में जाने की रिसर्च ये बताती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का रोल 55% है। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपके जेस्चर्स, आपका पोस्चर, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपकी स्माइल, आपका फिजिकल टच, ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज को बताती हैं। इन चीज़ों को अब हम इन डेप्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चूँकि हमारी सोसाइटी में हैंडशेक करने का एक कल्चर है तो बॉडी लैंग्वेज में मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा वो बड़ी प्रैग्मेटिक और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होंगी कि वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बड़ी मैटर करती हैं। मसलन हम इस सेशन में स्टैंडिंग पोस्चर को डिस्कस करेंगे, सिटिंग पोस्चर को डिस्कस करेंगे कि एक प्रोफेशनल वे से कैसे खवातीन बैठती हैं, कैसे मर्द बैठते हैं, इस तरह कैसे आपका स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए और इसी तरह आपको हैंडशेक कैसे करना है, राइट। तो हैंडशेक की एक हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं कुछ 5 से 6 ऐसे स्टाइल डिस्कस करूंगा हैंडशेक के हवाले से जो हमारी सोसाइटी में कॉमन है। नेक्स्ट करेंगे, ओके। तो आप किसी को याद सकते हैं भाई? एनीवन प्लीज, ओके चले आप ही आ जाओ। हम आप देखें जो ये मैं मर्दों के लिए बता रहा हूँ, खातिन को हैंडशेक किए बगैर भी मिल सकती है। देखें एक हैंडशेक है उसको हम कहते हैं क्रशर हैंडशेक। क्रशर हैंडशेक कहते हैं कि जिसमें आप दूसरे शख्स की बोन्स को क्रश करने की कोशिश करें। आपने ट्रंप को देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब दूसरों से हैंडशेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, झटका देते हैं दूसरे शख्स के हैंड को क्रश करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो क्रशर हैंडशेक करते हैं बेसिकली वो दूसरों को सबलिमिनल मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर अथॉरिटी, वी आर द बॉस एंड वी आर सुपीरियर, राइट। तो आपने कभी भी क्रशर हैंडशेक नहीं करना, इट्स अ बैड मैन। सेकेंड थिंग इज के आपने कुछ लोगों को देखा है वो बड़े कॉम्पिटेटिव होते हैं, वो ना ऐसे बड़े नरमो नाजुक हाथ से इस्लाम लेते हैं, वो हाथ पूरा नहीं मिलाते, राइट। और उसको हम कहते हैं वेट नूडल हैंडशेक, वेट फिश हैंडशेक, कि जब वो हाथ मिलाते हैं तो दूसरे शख्स का हाथ उनके हाथ में आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिश आ गई है या कोई नूडल आ गई है या कोई बड़ा नरम सा हाथ आ गया है। तो जो मर्दों के हाथ है वो इस तरह होने चाहिए कि जब आप दूसरे से हाथ मिलाएं तो पता चले कि किसी मर्द मम्मी ने सलाम लिया, राइट, ना कि किसी मम्मी डैडी बच्चे ने लिया जो बहुत नरम हाथ होते हैं, राइट। तीसरा है जो बड़ा कॉमन सा है, लुक अवे हैंडशेक। अब लुक अवे हैंडशेक होता है कि आप सलाम ले रहे हैं और आप दूसरे शख्स के साथ आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन नहीं कर रहे। जो हम 95% लोग करते हैं कि हम सलाम लेते हैं लेकिन सलाम लेते हुए हम दूसरे शख्स को ये फील भी नहीं करवाते कि हमने उससे सलाम लेते हुए उसको इम्पोर्टेंस दी है या हमने फॉर्मेलिटी पूरी की है, राइट। तो आप लुक अवे हैंडशेक में क्या करते हैं, आप हाथ को मिलाते हैं लेकिन उसमें कोई वार्मनेस भी नहीं होती और आप आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन नहीं करते। फिर इसमें इसमें एक रशियन हैंडशेक है आई थिंक, एक इसमें ग्लव हैंडशेक है कि जब ये सियासतदान इलेक्शन कंपेन में जाते हैं तो वो हर शख्स से जो है ना वो इस तरह मिल रहे होते हैं कि जैसे वो उसका बड़ा ही करीबी है वोट लेने के लिए, और इसको हम ग्लव हैंडशेक कहते हैं, पॉलिटिशियन हैंडशेक भी कहते हैं। लेकिन आपने जो हैंडशेक कर रहे हैं, आप ऑक्सफोर्ड चले गए हैं, हार्वर्ड चले गए हैं, आप दुनिया की किसी भी जगह पर चले गए हैं और आप किसी शख्स से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपने 4 बातें याद रखनी हैं। और जब आप हैंडशेक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है उस हैंडशेक, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब आप हाथ मिलाएं तो आपने पूरा पंजा मिलाना है, मतलब ये है कि सिर्फ फिंगर्स नहीं मिलानी, आपका जो अंगूठा है वो दूसरे शख्स के अंगूठे के साथ मिलना चाहिए और आप
हैंडशेक भी नहीं करना, आपने वेट नूडल हैंडशेक भी नहीं करना, बल्कि आपने हाथ मिलाते हुए इतनी वार्मनेस रखनी है कि दूसरे शख्स की आपने पंजे को हाथ को ग्रिप करना है, इतना ग्रिप करना है कि उसको वार्मनेस फील हो, ना कि वो अपने हाथ को क्रश करता हुआ फील करे, राइट। सेकेंड थिंग इज के जब आप हाथ मिलाएं तो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, जो स्माइल है कि आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करती है, राइट। अगर आप किसी भी शख्स के साथ रेपो बिल्ड करना चाह रहे हैं या आप किसी को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे मैं कल डीए यहाँ आया तो चूँकि मैं ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाता हूँ तो मोस्टली जो सिविल सर्वेंट्स हैं कहीं ना कहीं से वास्ता रहते हैं, तो मैं आरटीओ ऑफिस में गया, मेरी वहाँ पे डीए जी जो मुश्ताक सर उनसे मीटिंग थी, तो ये मेरी पहली मीटिंग थी, तो मैं गया तो मैं जिस अंदाज से उनको मिला तो मतलब अमूमी तौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये स्माइल पास नहीं करते, और ये बड़ा एक रिचर्ड सा फेस होता है जिसमें ये आई कॉन्टेक्ट भी नहीं मेंटेन करते, या बहुत ऊपर करके डिसअप्रूव कर रहे होते हैं, या आंखें ऊंची होती हैं कि वो देखते नहीं। तो वो मैंने एक चीज़ सीखी है और इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब ऑफिस में जाएं तो ऑफिस में जाते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल हो, आप प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें, और अगर आप हैंडशेक करें तो आप स्मार्ट हैंडशेक करें, जेंटलमैन नाइस हैंडशेक करें, कि दूसरे शख्स को पता चले कि हाँ यार कोई पॉजिटिव और पावरफुल पर्सनैलिटी वाला शख्स आया। तो क्या होता है कि आप किसी भी जगह पर जब इस अंदाज से हैंडशेक करते हैं तो दूसरे शख्स को आपकी एक ग्रूम कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो आपने पहला काम क्या किया कि आपने ग्रिप करना है, सेकेंड थिंग इसके आपके चेहरे पर स्माइल हो, जब आप स्माइल पास करते हैं तो आप दूसरे शख्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, थर्ड थिंग इज कि आप प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करें। अब आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टीयर करना है, आपने घूर के देखना है, आप फ्यू सेकेंड्स के लिए उसके साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, आप गवर्नर से, सीएम से, कमिश्नर डीसी से मिल रहे हैं, आप किसी एमपी एमएलए से मिल रहे हैं, कोई भी शख्स बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, सब इंसान बड़े होते हैं, अगर वो बड़ा होता है तो अपने तकवा की बुनियाद पर बड़ा होता है। तो आपको किसी से महरूम होके, किसी के स्टेटस से, किसी की पोजीशन से महरूम होके जुड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब आज का नौजवान किसी एम एन ए मिनिस्टर सेनेटर को मिल के ऐसे जुड़ के सलाम देते हैं, कोई जरूरत अच्छा पॉइंट ऐड किया है, सो नाइस ऑफ यू। मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि आप किसी की स्टेटस या पोजीशन से मुतासर होके, मिसाल के तौर पर आज जो मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है तो ये है कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा मरूबियत नज़र आती है नौजवानों में कि आप किसी SHO से, किसी कमिश्नर DC से मिलते हैं और आप एक पिक्चर पोस्ट करते हैं और आप लिखते हैं भाईजान डेप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग, और वो भाईजान आपको जानते नहीं हैं। हाँ, आपका कज़न है, आपका दोस्त है जो आपको इज्जत दे रहा है इक्वालिटी के लेवल पर और आप उसको इज्जत दें, लेकिन एक शख्स जिसकी गर्दन में बहुत सरिया है और जो समझता है कि शायद मतलब ये इज्जत जो लेना है ये मेरा हक है और आप उसको झुक झुक के अगर मिल रहे हैं तो इससे फिर आपकी अपनी खुदी जो है आपका जो सेल्फ इमेज है वो कुछ डाउन हो रहा होगा। सो इसमें आप बात करते हैं जी सिटिंग पोस्चर की कि मेल्स को कैसे बैठनी चाहिए और फीमेल्स को कैसे बैठना चाहिए। सो जेंटलमैन ये चेयर मुझे इधर दे, आम चेयर अगर मिल जाए बल्कि आम लेस चेयर दे दी, ये चेयर आम लेस ये वाली कुर्सी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा डोंट्स के बारे में कि जब आप बैठ रहे हैं तो आपको कौन से काम नहीं करने हैं। अगर आपने ब्लेजर पहने हैं, आपने कोट पहने हैं, फीमेल्स ने अगर कोट पहना हुआ है, मेल्स ने कोट पहने हैं, तो जब भी आप बैठेंगे तो आपने अपने कोट के बटन्स को अनबटन कर देना है, आप हमेशा कोट के बटन खोल के बैठेंगे। अक्सर देखा गया है ना कि कुछ बच्चे शादी के पेंट कोट पहनते हैं और तीनों बटन बंद करके वो बेचारे ऐसे परेशान होते हैं और बटन नहीं खोल रहे होते, तो आपने क्या करना है कोट के बटन खोलने हैं। तो पहले मैं बताऊंगा डोंट्स के बारे में। डोंट्स ये है कि फोर लेग पोजिशन में नहीं बैठना, ये जो टांग पे टांग रख के बैठते हैं इट्स अ बैड मैनर। फिर ये है कि लेग ओवर लेग पोजिशन में नहीं बैठना, ये बड़ा कॉमन स्टाइल है, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लेग ओवर लेग पोजिशन में बैठते हैं।
फिर एंगल ऑफ पोजीशन नहीं कटेगा राइट। फिर इसमें आप ये जो इसको कहते हैं फेस कपिंग, ये ऐसे बैठना, मतलब आप मुंह के नीचे हाथ रख के नहीं बैठे, मुंह में उंगलियां लेके मत बैठे, फिर चिन के ऊपर आप फिंगर रख के मत बैठे, फिर आपने अपनी आर्म्स को फोल्ड करके नहीं बैठना, ये जो आपकी फिस्ट हैं इनको शोल्डर्स के साथ क्लेंच करके नहीं बैठना। ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी अपनी टांगों को साथ मिला के नहीं बैठना राइट, चेयर की एज पे नहीं बैठना राइट, या ऐसे स्लाउड पोजिशन में नहीं बैठना, ये डाउन शोल्डर्स के साथ नहीं बैठना जैसे मरीज हैं या बीमार हैं राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ सर ने ना कह दिया तो आप बैठना किस तरह हो, तो आप पूछेंगे बैठना किस तरह हो, ओके। सबसे पहले तो चेयर का पूरा इस्तेमाल करें, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, ओके चले इसको इसको अगर आप इधर पर बड़ी सा राइट सिटिंग पोस्चर इफ यू वांट टू शो कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, तो उसमें पहले जोन्स पर बात करेंगे कि चेयर की एज पर नहीं बैठना राइट, ऐसे क्लाउड पोजिशन में नहीं बैठना, डाउन शोल्डर्स के साथ नहीं बैठना, फिर आप फेस कपिंग करके मत बैठने ऐसे, फिर आप टांग पर टांग चढ़ा के इसको फोर लेग पोजिशन कहते हैं, आप इस तरह नहीं बैठना, आपने लेग ओवर लेग पोजिशन में नहीं बैठना, फिर आपने एंकल लॉक पोजिशन में नहीं बैठना राइट, आपने लेग्स को बिल्कुल साथ में आके नहीं बैठना या लेग्स को 5 से 10 इंच तक खोल के नहीं बैठना राइट। अब बैठना किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेयर का पूरा इस्तेमाल करें, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप डाइनिंग करें, आप किसी के साथ इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आप किसी प्रोफेशनल गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप किसी भी आपके लेवल मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर का पूरा इस्तेमाल करना है, योर शोल्डर्स मस्ट बी स्ट्रेट राइट, शोल्डर्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो। सेकेंड थिंग इज के अगर आप आम चेयर पर बैठे हुए हैं किसी भी ऐसी चेयर पर जिसके बाजू हैं, तो आपके दोनों हाथ चेयर की आर्म्स पर होंगे, अगर आम चेयर नहीं है तो आपके दोनों हाथ आपके थाइस पर होंगे राइट। नेक्स्ट थिंग इज के आपके जो फीट हैं ये कितने वाइड होने चाहिए, योर फीट शुड बी एज वाइड योर शोल्डर्स आर, जितने आपके शोल्डर्स वाइड हैं आपने बहुत ज़्यादा वाइड ओपन नहीं करना कि शोज के लिए एरोगेंट पर्सन, और आपने इसको आई थिंक के बहुत कम भी नहीं ओपन करना कि लगे कि ये शाय है और इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने इसको इतना वाइड ओपन करना है जितने वाइड आपके शोल्डर्स हैं। फिर आपकी जो लेग्स हैं वो चेयर के नीचे नहीं जानी चाहिए और ना ही बहुत फॉरवर्ड पोजिशन में हो, आपकी जो नीज और फीट हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर हो, आई मीन के ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। जब आप इस अंदाज से बैठेंगे तो ये दूसरों को सबलिमिनल मैसेज जाता है कि इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, इज अ ग्रुप पर्सन। अब अगर आप साइलेंट बैठे हुए हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप बैठ कर दूसरों से कम्युनिकेट करें, आप बात करें, तो आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को वी पोजीशन में आई मीन ट्राइंगल बनाते हुए आपने पोजीशन करना है, इसको हम कहते हैं मर्कल राइट, मर्कल राउट या पावर ट्राइंगल, बनाए जरा पावर ट्राइंगल आप सब, इसको हम क्या कहते हैं मर्कल राउट आप पावर ट्राइंगल। आपने देखा होगा कि दुनिया में हर बड़ा लीडर जब भी टॉक करता है या अपनी टॉक का आगाज करता है तो वो पावर ट्राइंगल या मर्कल राउट बनाते हुए बात करता है। सो जब आप बात करेंगे तो आपने ये जो पावर ट्राइंगल है इसको अपनी नेवल के सामने बेली बटन के सामने रखना है, इसको आप ऊपर नहीं रखेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं इसको बहुत ऊपर करते हैं, आपने इसको अपनी नेवल बेली बटन के सामने प्लेस करना है।